दोस्तों स्वागत है आपका द एग्ज़ाम पोर्टल पे। देखिए मेंस के एग्ज़ाम में लगभग काफ़ी कम दिन बच गए हैं। आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है? और जो लोग अपनी तैयारी को अंतिम रूप दे रहे हैं उनके लिए आखिरी समय है। और अभी एक लेटेस्ट अपडेट ये भी आया है कि बीपीएससी का जो मेंस होने वाला था और जुडिशियरी का प्री होने वाला था उसको भी पोस्टपोन कर दिया गया है और वो एग्ज़ाम अब दिसंबर में होगा। यानी कि देख रहे हैं एग्ज़ाम की स्थिति, आप लोग देख रहे हैं बीआरएसएससी, और फिर इस एग्ज़ाम को आगे बढ़ाया जा रहा है। यानी कि जो एग्ज़ाम अभी इस फेज में चल रहे हैं उनको आगे बढ़ाया जा रहा है। बस यही एक एग्ज़ाम है जो कंटिन्यू रखा गया है और इसका प्रोसेसिंग लास्ट तक करा जाएगा। यानी कि आप लोगों के लिए ये बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है। कल को चुनाव है, इलेक्शन का रिजल्ट है, काफ़ी कुछ है मतलब कहने को। उसके बाद पीटी और इन सब का डेट आएगा। ईएसआई का डेट तो खैर आ चुका है बिहार दरोगा का, दिसंबर के बाद। तो उसमें यदि हो सकता है डिले हो जाए ना हो, लेकिन अभी आपके सामने जो है बिहार मेंस वाले बच्चे हैं उनके लिए फिक्स डेट है। तो बस कुछ सोचना नहीं, आँख मूंद के पढ़ाई करना है। अब डरने का समय बिल्कुल ख़त्म हो गया है ना। एग्ज़ाम का डेट बढ़ रहा है इस दूसरे एग्ज़ाम का, और ये एग्ज़ाम बस बचा हुआ है। इसका मतलब कि यही एग्ज़ाम पे आपको फोकस करना है। डू और डाई वाली सिचुएशन है। अब डर तो ऐसे बढ़ रहा होगा, धीरे धीरे समझ में आ रही है बात, लेकिन अब जो आप पढ़ रहे हैं उन चीज़ों को रैपअप करने का टाइम आ गया है। प्रैक्टिस सेट डेली करते रहना, और मेरे प्रैक्टिस सेट का जो आंसर की है आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। वहाँ पे सबका ये आंसर की दे दिया गया है। कुछ की रैंकिंग भी जारी कर दी गई थी, रैंकिंग जारी कर दी जाएगी, लेकिन अब समय नहीं कि आप रैंकिंग के पीछे ही पड़े। जो आप कर रहे हैं उसको आगे बढ़ाते रहें, ठीक है। और स्कोर के बारे में लोग पूछ रहे थे, तो जिनका 70+ आ रहा था वो अभी मतलब अच्छे स्थिति में, किसी भी सेट से मान लीजिए, क्योंकि हर सेट में मेरा हो किसी और प्रकाशन का हो तो उनमें कुछ ना कुछ गलतियां रहती हैं। तो इस हिसाब से अगर थोड़ा 70+ आ रहा है मतलब सब मिला जुला के, तो आप ठीक ठाक स्थिति में अभी भी आप 4-5 नंबर अपना स्कोर बढ़ा सकते हैं। कट ऑफ के बारे में पूछ रहे हैं, तो एक मतलब एग्जाम से पहले एक हम कट ऑफ का वीडियो बिल्कुल लेके आएंगे। उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, 2-3 दिन, तो उस पर हम करेंगे कि एक मतलब समुचित उसके बराबर, जिससे आपका मनोबल भी बने और मतलब एक टू द फैक्ट पे हम लोग बात कर सके, है ना। तो इस पर कुछ हम और एक कम में कुछ कमेंट्स आए थे जिसके बारे में ये कर देना चाहता हूँ। एग्ज़ाम के बारे में लोग पूछ रहे थे कि कितने टाइम का गैप मिलता है, तो 2 घंटे का गैप मिलता है और उसके बाद कोई सीटिंग चेंज अरेंजमेंट चेंज नहीं होता। एक जन भाई साहब ने पूछा था कि एकेडमी में जिम है कि नहीं। बिल्कुल जिम है, आप अपना भी रख सकते हैं, कर सकते हैं, और इतना फिजिकल कराया जाएगा खुद ब खुद आप फिट हो जाएंगे। एकेडमी में आने के लिए तैयार रहें, है ना। और एक भाई साहब हमसे पूछ रहे हैं कि भैया आगे का 2 दांत टूट गया है मेडिकल में कोई दिक्कत होगा कि नहीं। तो भाई साहब आपको मेडिकल में तो कोई दिक्कत नहीं होगी, हाँ शादी में दिक्कत जरूर हो सकता है, आगे का 2 दांत टूटा हुआ है। तो इससे पहले कि उसमें प्रॉब्लम हो, जॉब लीजिए, पैसे कमाइए और दांत लगवा लीजिए। मतलब समझ रहे हैं एक चीज़ से आप कितना फ़ायदा कर सकते हैं। तो दांत के लिए आपको टेंशन नहीं लेना है ना। और प्री टेस्ट ज्वाइन करने के लिए काफ़ी लोग फिर मैसेजेस करते रहते हैं कि प्री टेस्ट कैसे ज्वाइन करना है, तो इसका लिंक दिया हुआ रहता है। आप जाइए वेबसाइट को फॉलो कीजिए। मैं सबको पर्सनली तो बता नहीं सकता, इंस्ट्रक्शन वहाँ पे दिए रहते हैं। हिस्ट्री और ज्योग्राफी का भी टेस्ट चल रहा है, 4-5 टेस्ट हो गया है, 400 के आसपास उसमें बच्चे जुड़े हुए हैं। वहाँ पे थोड़ा डिस्कशन भी होता है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं ना। और जो मेंस वाले बच्चे हैं स्पेशली, मैं अभी उन पे ही बात हो रही है, और कुछ जो हमारे पास मतलब हम जिनसे डायरेक्ट जुड़े हुए हैं उनसे उनके मेंस में ही लगे हुए हैं, इसलिए थोड़ा सा प्री पे भी कम ध्यान है। मेंस हो जाए उसके बाद इन सब चीज़ों पे भी ध्यान दिया जाएगा, है ना। और देखिए एक जन भाई साहब ने कमेंट किया था कि सर आपका वीडियो देख के हमको बुखार लग गया। 2-3 लोग किए थे, तो देखिए मतलब इनडायरेक्टली मैं आप लोगों के लिए कॉम्पिटिशन कितना कम कर रहा हूँ। मेरी बातें सुन के लोगों को बुखार लग जा रही है, वो तो बुखार लगेगी तो फिर पढ़ेंगे नहीं, तो एग्ज़ाम में उनका परफॉर्मेंस ख़राब ही रहेगा, समझ रहे हैं। तो ये आपके लिए कंपटीशन कम करने जैसा है। तो जिन जिन भाई लोग को इससे फ़ायदा होगा, मेरे अकाउंट में 1-1 लाख डॉलर एग्ज़ाम के बाद आप लोग बिल्कुल डाल दीजिएगा। हाँ जोक सपाट, लेकिन मेंस वाले बच्चे बिना कुछ सोचे समझे भी अभी 10-12 दिन है जो भी। आप रिवीजन तो इतने समय में रिवीजन जैसे करते हैं तो बोरियत काफ़ी आती है, लेकिन टाइम के साथ रिवीजन कम हो जाता है। बॉक्स में जो चीज़ें दी हुई हैं, लूसेंट में, क्राउन में, स्पीडी में, उन सबको पढ़ें। और क्योंकि उन पे आप ज़्यादा फोकस करोगे तो लगेगा कि चीज़ें जो एग्ज़ाम में मिसलेनियस वाले पॉइंट से आप जिससे डरते हो कवर हो जाएगा। मैथ वगैरह बनाते रहें, प्रैक्टिस सेट अभी लास्ट में बिल्कुल बनाना जरूरी है। जितना प्रैक्टिस सेटें करेंगे एग्ज़ाम का माहौल बनेगा। यदि आप 2 बजे के आसपास बनाते हैं तो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, और प्री के लिए जो बच्चे तैयार हो रहे हो वो भी पढ़ें, क्योंकि अभी कोई विकल्प नहीं है। और बाकी आगे चुनाव है, तो आप अपना भविष्य खुद देख सकते हैं और खुद सोच सकते हैं। जय हिंद।